आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सिक्स की हिंदी में। आज हम शुरू करेंगे अपना आज एक न्यू सेशन, नई क्लास का अपनी भाषा के माध्यम से। तो देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो हिंदी में सबसे पहले हम बात आती है भाषा की। तो भाषा के विषय में हम बात करते हैं कि देखिए, जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य किस तरह का प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य समाज में रहता है, उसके सारे काम समाज से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जब वो सबसे छोटा होता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो सबसे पहले वो अपने फैमिली मेंबर्स से मिलता है, फिर वो अपने रिलेटिव्स से मिलता है, फिर उसके बाद वो अपने पड़ोसियों से मिलता है, फिर वो सामाजिक जो कार्य होते हैं, कभी विवाह समारोह या कोई फंक्शन होता है वहां जाकर लोगों से मिलता है, फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल में बहुत अलग अलग तरह के बच्चों से मिलता है, टीचर्स से मिलता है, लोगों से मिलता है। और इस तरह से धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके बाद वो बड़े स्कूल में जाता है, दूसरे लोगों से मिलता है, बच्चों से मिलता है। एक तरह से जीवन में मनुष्य को हर जगह, जब हर स्थिति में, हर सिचुएशन में उसको लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, लोगों से बातचीत करनी होती है, लोगों के साथ अपना एक तरह से मन की बात को शेयर करना होता है, अपने भावों को व्यक्त करना होता है। तो उसी का सबसे मेन, सबसे मुख्य साधन है भाषा। यानी कि हमारे विचारों का, हमारे भावों के आदान प्रदान का साधन है ये भाषा, जिसको हम एक तरह से इसी के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने मन की बातों को, अपने भावों को एक दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे की मन की बातों को, दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावों को क्या करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, भारत में आपने देखा होगा कि जो हमारा भारत है, यहाँ पर चाहे जाति धर्मों में हो, चाहे भाषाओं में हो, बहुत अधिक भिन्नताएं हैं, फिर भी हमारा देश भिन्नताओं में, विभिन्नताओं में एकता का देश कहलाता है। यानी कि यहाँ पर भले ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सब जो है क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों में घुल मिल जाते हैं, उनकी भाषा को समझते हैं, उनकी भाषा को सीखते हैं, उनको जानते हैं, उनके त्योहारों को मनाते हैं, अपने त्योहारों को उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, भारत में, भारत के जो विभिन्न प्रदेश हैं, यहाँ पर हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, राजस्थानी, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती है। और देखिए, यहाँ पर जो पूरे विश्व में भाषा एक तरह से दूसरी भाषा भी बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी एक तरह से दूसरी भाषा भी है यहाँ पर, जो पूरे विश्व की भाषा हम कह सकते हैं वो है अंग्रेजी। यानी कि अगर आपको बहुत अच्छे से अंग्रेजी आती है तो आप किसी भी जगह जाकर, विश्व के किसी भी कोने में जाकर किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी कॉमन भाषा बन गई है कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो लोगों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, लोगों के भावों को समझ सकते हैं, उनके एक तरह से विचारों का आदान प्रदान आप उनके साथ कर सकते हैं। तो देखिए, भाषा का जो ये महत्व है हमारे जीवन में, ये मैंने आपको बताया कि क्या है भाषा का महत्व हमारे जीवन में। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो मनुष्यों के लिए है, इसी तरह से चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। यानी कि वो भी अपनी अपनी भाषाओं के द्वारा एक दूसरे से अपने मन की बातों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपने मन के भाव जो है दूसरों को बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने भाषा के बारे में ये सारी चीजें जानी। उसके बाद देखिए, भाषा के रूप, भाषा के रूप कितने होते हैं, भाषा कितने टाइप की होती है। तो देखिए, मुख्य रूप से जो भाषा के रूप होते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा,
आज आप 6th क्लास में आ गए हैं, तो देखिए अब आप बड़े हो गए हैं। अभी तक आप क्लास 5th में थे, क्लास 5th में आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी आपने समझा, उसको आप अब आगे एक नेक्स्ट लेवल पर पढ़ेंगे, यानी कि आप अब आप क्लास 6th में आ गए हैं, आप सीनियर हो गए हैं, तो अब आपको थोड़ा सा पढ़ाई पर अच्छे से और ध्यान देना है और चीजों को डीपली पढ़ना है। तो अब हम भाषा के रूपों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो कितने टाइप की होती है ये भाषा, कितने रूप होते हैं इस भाषा के? तो मुख्य रूप से हिंदी जो है, हिंदी भाषा में आप एक तरह से जो कोई भी जो भाषा है, यहाँ पर मुख्य रूप से भाषा के दो रूप बताए गए हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। और एक रूप और बताया जाता है भाषा का, जिसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए, पहला मैंने आपको बताया, पहला जो रूप यहाँ पर है वो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी कि ये जो भाषा होती है, ये भाषा का एक प्राचीनतम रूप है। यानी कि ये क्या है? भाषा का एक प्राचीनतम रूप है, काफी एक तरह से पुराना रूप है। यानी कि जब शायद इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जब हमारे पास बुक्स नहीं थी, किताबें नहीं थी, जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने ज्ञान को, अपनी किसी अनुभव को संरक्षित करके नहीं रखते थे, उससे भी पहले की ये बात है। यानी कि ये जब शायद हमारे धरती पर जीवन शुरू हुआ, तब से ये चला आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो चिड़िया है या जीव जंतु है या पशु पक्षी है, क्या ये लिख कर अपनी बात को व्यक्त करते हैं? क्या कभी आपने देखा ये गाना गाते हैं या लिखते हैं या इशारा करते हैं? इनकी एक अपनी ही साउंड होता है, एक इनका एक अपना ही स्वर होता है, एक अपना अलग सा ये स्वर निकालते हैं, सबका अपना अपना स्वर होता है और वही उनकी भाषा होती है। और देखिए, जो भाषा जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये मौखिक भाषा क्या है? भाषा का प्राचीनतम रूप है। क्या है? भाषा का प्राचीनतम रूप है। जब मानव लिखना नहीं जानता था, तब वह बोलकर अपने भाव विचार प्रकट करता था। यानी कि जब उसे लिखना नहीं आता था, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तब वो बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता था, अपने भावों को व्यक्त करता था बोलकर। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर क्या कहा गया? उसी को मौखिक भाषा कहा गया। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे अभी मैं आपको जो भी बता रही हूँ, कुछ भी मैंने आपको नोट नहीं करवाया है, ये है लिखित भाषा। ये है लिखित भाषा, यानी कि लिखकर आपको दिखाया जा रहा है। दूसरा है मौखिक भाषा, जो मैं बोलकर आपको व्यक्त कर रही हूँ, इसे कहते हैं मौखिक भाषा। और ये बहुत ही ज्यादा प्राचीनतम भाषा का रूप है, यानी कि भाषा का बहुत ही पुराना रूप है, जहां पर एक तरह से एक व्यक्ति बात को कहता है और दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुनता है। ठीक है, तो ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। अब इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? कौन बताएगा मौखिक भाषा के उदाहरण? अब देखिए, आपने रेडियो सुना होगा। रेडियो में क्या होता है? आपको समाचार या क्रिकेट की कमेंट्री या फिर कोई भी कहानी या कोई एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? केवल और केवल कानों से सुनाई देता है। यानी कि वहां पर भाषा के माध्यम से बोलकर विचार व्यक्त किए जाते हैं, बोलकर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, कोई भी सूचना आपको दी जाती है, किसी भी विषय में आपको बताया जाता है। तो एक रेडियो क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ये क्या है? भाषा का
मौखिक रूप है, अगर कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, तो ये सब क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। तो सबसे मेन है आपका रेडियो, जिसमें आप सुनते हैं समाचार, सुनते हैं क्रिकेट की कमेंट्री, सुनते हैं या आप कहानी सुनते हैं या कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप सुनते हैं, तो ये सब क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। क्लास में अध्यापिका आपको पढ़ा रही है, ये भाषा का मौखिक रूप है। कोई आपको कोई भाषण दे रहा है, कोई आपको कोई कहानी सुना रहा है, तो ये सब क्या है? अगर आपकी आपको आपकी नानी, आपकी दादी आपको कहानी सुनाती है, तो वो क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, तो ये मौखिक रूप काफी ज्यादा प्राचीनतम है। क्यों है? अब देखिए, आपने क्या देखा है कि जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, पहले कुछ ध्वनियां अपने मुख से निकालता है, कुछ ध्वनियों को अपने मुख से जब वो निकालता है तो उन्हीं ध्वनियों से वो क्या करता है, अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने मन की बात को वो उन्हीं ध्वनियों से रखता है। जैसे अब छोटे बच्चे को भूख लग गई तो वो क्या करता है, वो रोने लग जाता है, तो उसको समझो कि वो भूख लग गई है उसे, अब वो एक तरह से उसे खाना चाहिए। या फिर अगर उसको भूख लगती है तो वो एक तरह से आपके पास आता है और आपके पास आकर रोने लगता है, तो समझो कि उसको भूख लगी है या फिर उसको कुछ और चीज की जरूरत है। तो इस तरह से शुरुआत से ही ये एक भाषा का रूप चला आ रहा है, जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों को व्यक्त करता है और सामने वाला व्यक्ति सुनकर समझकर उसके उसकी बातों को एक तरह से समझता है। तो ये है भाषा का मौखिक रूप। दूसरा अब आता है यहाँ पर भाषा का लिखित रूप। लिखित रूप किसे कहते हैं भाषा का? देखिए, जब किसी भी भाषा को लिखकर या पढ़कर कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करता है या विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है, तो ये होता है भाषा का लिखित रूप। ये क्या होता है? भाषा का लिखित रूप। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप देखिए, सुबह सुबह आपके घरों में, सबके घरों में न्यूज़पेपर आता है, आता है कि नहीं आता है? सबके घरों में न्यूज़पेपर आता है, तो सुबह सुबह हम क्या करते हैं, फटाफट न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसके पन्ने पलटने लगते हैं, देखते हैं कि आज क्या नई खबर है, आज क्या नई बात इसमें लिखी गई है। तो क्या है ये सब? ये भाषा का लिखित रूप है, यानी कि हमें यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें कोई सूचना दी जा रही है, कोई मनोरंजन से संबंधित बात हमसे कही जा रही है या एडवर्टाइजमेंट से संबंधित कोई बात हमसे कही जा रही है। तो ये सब चीजें क्या है? भाषा का लिखित रूप है, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज है वो लिखी हुई है। और देखिए, जो मैं आपको बोलकर ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो चीज में, ये है आपका मौखिक रूप, लेकिन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये है भाषा का लिखित रूप। यानी कि यहाँ पर तो मैं दोनों माध्यमों से आपको बता रही हूँ, यानी कि लिखित माध्यम से भी और मौखिक माध्यम से भी। मैं आपको मुख से बोलकर भी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, चीजें आपको बता रही हूँ, चीजों की व्याख्या कर रही हूँ, और साथ ही मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ये जो है, ये आपकी भाषा का लिखित रूप है, यानी कि जो भी मैं कहना चाह रही हूँ या जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भाषा का लिखित रूप है, और जो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये भाषा का मौखिक रूप होता है। तो देखिए, भाषा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें भाषा के बारे में जानना जरूरी है। तो भाषा के बारे में सबसे पहले हमने यहाँ पर भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, ये हमने जाना। और दूसरा, हमने भाषा के दो मुख्य रूपों को यहाँ पर जान लिया, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, और आपने देखा होगा भाषा के कुछ सांकेतिक रूप भी होते हैं। सांकेतिक रूप यानी कि आपको क्या कहा जाता है कि आप क्लास में शांत बैठो, तो इस तरह से किया जाता है तो आप सब लोग शांत हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? सांकेतिक रूप। आपको संकेत किया जा रहा है। ठीक है,
और दूसरा आपने देखा होगा जब गाड़ी जो है रेड लाइट होती है तो एकदम से गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है जब रेड लाइट होती है। और फिर जब येलो लाइट होती है तो वो क्या होती है, एक तरह से फिर एकदम से जब ग्रीन लाइट होती है तो गाड़ी चलने लगती है, और जब येलो लाइट होती है तो फटाफट चलने लगती है तेजी से, क्योंकि येलो लाइट के बाद तुरंत से रेड लाइट होने वाली होती है। तो इस तरह से अब इंसान जो है पहली बार में शायद ये चीज ना समझ पाए, लेकिन जब वो बार बार ये चीजें करेगा, वो रेड लाइट से जाएगा, वो किसी चौराहे से जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि जब रेड लाइट होती है तो मुझे रुकना है, और जब ग्रीन लाइट होती है तो मुझे चलना है, और जब येलो लाइट है तो मुझे तेजी से चलना है क्योंकि अब रेड लाइट होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से ये है भाषा का सांकेतिक रूप। और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि कुछ एरोज लगाए होते हैं। ठीक है, कोई एरो होता है लेफ्ट साइड को, कि अगर आपको लिखा होता है मंदिर और उसके नीचे एरो लगा होता है लेफ्ट साइड को, यानी कि लेफ्ट साइड में एक मंदिर है। ठीक है, एरो लगा है राइट साइड को और लिखा है स्कूल, यानी कि स्कूल जो है वो राइट साइड को है। और अगर किसी जगह आपने जाना है, ठीक है, अगर आपने हॉस्पिटल जाना है तो एरो लगा हुआ है सामने की तरफ और लिखा हुआ है हॉस्पिटल, यानी कि आपका जो हॉस्पिटल है वो आपका सीधे सीधे आपने जाना है। तो ये भी है भाषा का सांकेतिक रूप, यानी कि आपने ना तो किसी से पूछना है ना किसी से आपने कोई बात कहनी है, बस आप उन एरोज को देखेंगे। और कहीं पे आपने देखा होगा इस तरह का एक एरो बना होता है, तो यानी कि सामने से आपको यू टर्न आप ले सकते हैं, सामने यू टर्न है। ठीक है, अगर कहीं पे आप देखेंगे 3 एरोज एक साथ लगे होंगे तो आप देखेंगे कि सामने एक चौराहा है। तो इस तरह से आपको ये जो एरोज होते हैं, ये जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, ये सांकेतिक भाषा के रूप में आपको बताते हैं कि आपने कहाँ को जाना है, कैसे जाना है, और कितनी स्पीड से जाना है। कहीं पे आपने देखा होगा स्पीड लिमिट भी लिखी रहती है। तो ये सारी चीजें हैं आपके भाषा का सांकेतिक रूप। तो इस तरह से 2 मुख्य रूपों को हमने यहाँ पर जाना, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और देखिए ये दोनों मैंने यहाँ पर आपको लिख कर बताए, तो ये लिखित भाषा में भी आते हैं, लेकिन सांकेतिक रूप जो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको लिख कर कुछ भी नहीं बताया, तो ये आपका मौखिक हो गया। यानी कि यहाँ पर मैंने केवल और केवल आपको बोलकर बताया कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आज हम हिंदी का हमारा पहला सेशन है क्लास 6 में, तो भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में भाषा के बारे में तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, सबसे 3 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने यहाँ पर जान ली है। अब भाषा के बाद हमारी बात आती है बोलियों की, बोलियां किसे कहते हैं। अब देखिए, बोली क्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है, यानी कि उसको कह सकते हैं भाषा का क्षेत्रीय रूप। ठीक है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ठीक है, जैसे भोजपुरी, मैथिली, अवधी, मारवाड़ी, ठीक है, या गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जो क्षेत्र विशेष में भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं बोली। ठीक है, गढ़वाली बोली, कुमाऊनी बोली, ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, मारवाड़ी, ये सब क्या है, बोलियां हैं। तो हिंदी की कुछ बोलियां यहाँ पर लिखी गई है, और भी बहुत सारी बोलियां हैं। आप देख सकते हैं कि क्योंकि जैसे मैंने हमें बताया कि जो बोलियां होती हैं ये थोड़े थोड़े क्षेत्रों में जो है चेंज हो जाती है, थोड़े थोड़े क्षेत्रों के बाद ये चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, तो जैसे जैसे अब देखिए हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ पर भी 2 अलग अलग तरह की, एक गढ़वाली और एक कुमाऊनी। और आप देखेंगे कि जब आप गढ़वाल में जाएंगे तो गढ़वाल में भी आप अलग 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 जगहों पे जाएंगे, तो उनकी भाषा तो वो गढ़वाली ही होगी, लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ी 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 डिस्टेंस के बाद चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कुमाऊं में जाते हैं तो कुमाऊं में भी अगर आप जो भाषा है वो होगी तो कुमाऊनी ही, लेकिन
आप थोड़े 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 एरिया के बाद उसके बोलने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा, बोलने की जो एक टोन है वो चेंज हो जाएगी, चीजों के नाम जो है थोड़ा सा बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये है बोलियां जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है लिपि। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लिपि। लिपि किसे कहते हैं? अब देखिए, मैंने यहाँ पर भाषा आपको बताया, बोलियां आपको बताई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका लिपि। क्योंकि लिपि क्या है? भाषा की ध्वनियों जो कि मौखिक को प्रकट करने के लिए जो भाषा की ध्वनियां होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटा बच्चा होता है, जब वो थोड़ा सा बोलना सीखता है तो क्या वो तुरंत ही मम्मी पापा बोल देता है? क्या वो तुरंत ही दादा दादी बोल देता है? क्या वो तुरंत ही बोल देता है कि मुझे भूख लगी है? नहीं, वो क्या करता है? कुछ स्वर निकालता है, कुछ ध्वनियों को निकालता है। अगर उसको मम्मा कहना है तो वो पहले माँ 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 की ध्वनि निकालेगा। अगर उसको बुआ कहना है तो वो ब ब की ध्वनि निकालेगा। अगर उसको दादा कहना है तो वो द द द की ध्वनि निकालेगा। अगर उसको दादी कहना है, चाची कहना है, पापा कहना है, तो वो इस तरह से क्या करता है, केवल कुछ एक स्वर को वो निकालता है। तो उन्हीं, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, भाषा की ध्वनियां यानी कि जो मौखिक होती हैं, उनको प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं। यानी कि अगर म है, म म का स्वर आ रहा है तो उसका भी एक ध्वनि चिन्ह है जिसको हम म कहते हैं। तो उन्हीं ध्वनि चिन्हों को, यानी कि भाषा की ध्वनियों को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। इन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। क्या होती है, एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि भाषा की ध्वनियों, कौन सी ध्वनियों? जो कि मौखिक है, मौखिक को आप ये भी लिख सकते हैं उच्चारित, यानी कि जो उच्चारण की गई है। ठीक है, उच्चरित यानी कि जिसका उच्चारण किया गया है, जो मुंह से बोली गई है, उनको प्रकट करने के लिए, उनको लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन ध्वनि चिन्हों को हम यहाँ पर लिपि कहते हैं। तो देखिए, जो प्रत्येक भाषा होती है, अब क्योंकि हर भाषा में आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। आप सोचिए कितनी सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं और 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, अर्थात इन 22 भाषाओं की लिपियां हैं। अर्थात जिस भाषा की जो लिपि होती है उसी को यहाँ पर मान्यता एक तरह से दी जाती है। तो 22 भाषाओं को हमारे देश में मान्यता प्राप्त है, यानी कि इन भाषाओं को हम प्रॉपर लिख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए उनका जो लिखित रूप है उसी को लिपि कहा जाता है, कुछ जो चिन्ह उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, प्रत्येक भाषा की कुछ ना कुछ लिपियां होती है, प्रत्येक भाषा की कुछ ना कुछ लिपियां होती है, कुछ ना कुछ ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हम उनको लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिपि के बारे में जानते हैं पहले। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हिंदी भाषा है, सबसे पहले जो आपकी हिंदी भाषा है इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इस तरह से जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। और जैसे मैंने कहा कि हमारे देश भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो अलग अलग भाषाएं, जैसे अगर हम पंजाबी कहें तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। ठीक है,
इस तरह से आपकी जो कश्मीरी भाषा है, कश्मीरी भाषा की भी आपकी जो लिपि है वो देवनागरी ही है, कश्मीरी, इसकी भी लिपि देवनागरी है। अगर आप संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। तो इस तरह से बहुत सारी लिपियां होती हैं, बहुत सारी एक तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अगर हम जर्मन भाषा की बात करें, जर्मन भाषा की बात करें तो जर्मन भाषा की जो लिपि है वो भी आपकी रोमन है। क्या है? रोमन है। और फ्रांसीसी उर्दू भाषा की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे देश में उर्दू भी काफी ज्यादा बोली जाती है, उर्दू भाषा की अगर हम बात करें तो इसकी लिपि है फारसी। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। बंगाली भाषा की लिपि क्या है? बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला। तो इस तरह से जितनी भाषाएं होती हैं उनकी उतनी लिपियां होती है, ठीक है। तो सभी भाषाओं की क्या होती है? अपनी अलग अलग लिपि होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने आज सबसे पहले भाषा के बारे में जाना, भाषा के रूपों के बारे में जाना, उसके बाद हमने यहाँ पर बोलियों के विषय में जाना, उसके बाद हमने लिपि के विषय में जाना। अब सबसे जो मेन चीज आती है वो है यहाँ पर वर्ण। हिंदी भाषा में जो सबसे पहले यहाँ पर आता है वो है वर्ण। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। अब देखिए, जो वर्ण है, वर्ण को जानने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताऊंगी, उसे कहते हैं व्याकरण। तो देखिए, मैंने भाषा के बारे में तो आपको बताया, सारी चीजें हमें पता चली यहाँ पर भाषा के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, बोलियां क्या होती है, लिपि क्या होती है। तो वर्ण जो है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, उससे पहले हमें व्याकरण के बारे में जानना होगा कि ये व्याकरण क्या है, यानी कि वर्ण आया कहाँ से, ये चीजें हमने जानी कैसे। तो उससे पहले हमें व्याकरण के विषय में जानना होगा। तो देखिए, व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा को जानने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण को जानना होता है, ठीक है। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्याकरण यानी कि बहुत सारे शब्दों का व्यवस्थित, बहुत सारे शब्दों को व्यवस्थित करना। आप देखिए, भाषा ऐसे ही तो नहीं बन जाती कि कुछ भी शब्द बोल दिया, कुछ भी मिला दिया, कुछ भी वर्ण कहीं का कहीं जोड़ दिया, तो इसे तो हम भाषा नहीं कहते। उसके लिए हमें व्याकरण को समझना होगा, क्योंकि व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है, यानी कि अगर आपकी भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी, अगर आपकी भाषा व्यवस्थित नहीं होगी, तो क्या होगा? आपकी बात कोई नहीं समझ पाएगा, आपकी बात को कोई समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए व्याकरण को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण होता है एक ऐसा शास्त्र, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित, जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध
भाषा के नियमों को निर्धारित कर शुद्ध रूप का शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान कराता है। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आज की जानी कि भाषा के बारे में तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, लेकिन इस भाषा को व्यवस्थित कौन करता है, इस भाषा को समझने लायक कौन करता है, वो है व्याकरण। तो सबसे मेन जो पार्ट है हिंदी का वो है व्याकरण, जिससे हम पूरी भाषा को समझ पाते हैं, पूरी भाषा को सीख पाते हैं और शुद्ध रूप में उसका प्रयोग कर पाते हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर भाषा के बारे में जाना और नेक्स्ट सेशन में हम व्याकरण यानी कि वर्ण विचार जो है सबसे मेन टॉपिक हिंदी का, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।